चीन का ड्राई रन आम जनता के लिए शुभ संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जल्द कोरोना वैक्सीन हमारे बीच में होगी। आज चुनावी मतदान की तर्ज पर वैक्सीनेशन की रिहर्सल प्रक्रिया पूरी की गई है। इस रिहर्सल के अनुभव का वैक्सीनेशन के समय फायदा मिलने वाला है। 10 जनवरी के बाद कभी भी कोरोना वैक्सीन सेंटर पर पहुंच सकती है और लगभग 19 जनवरी के बाद टीकाकरण शुरू हो सकता है, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कोविड वैक्सीनेशन की आज पूरी की गई ट्रायल प्रक्रिया में सिस्टम को पूरी तरह से सफल पाया गया। अब हेल्थ वर्कर्स के पहले वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी द्वारा मिली जानकारी अनुसार इस प्रक्रिया में सबसे पहले वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उसे वैक्सीनेशन रूम में भेजा जाएगा। कोविन ऐप पर उसकी एंट्री अपलोड होगी, साथ में दूसरी डोज की तारीख भी बताई जाएगी। अब ऑब्जर्वर टीम लगभग 30 मिनट तक उसकी निगरानी रखेगी। यदि कोई साइड इफेक्ट हुआ तो इसके लिए पहले से तैयार टीम, जिसके पास मेडिकल किट रहेगी, तुरंत उसके इलाज में जुटेगी। इसी प्रक्रिया के तहत विभाग के डॉक्टरों ने ड्राई रन के ट्रायल को पूरा किया। इस प्रकार पहले चरण में जिले के 6,500 हेल्थ वर्कर को वैक्सीन दी जाएगी, जिनका पहले से ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 7 रेफ्रिजरेटर को वेक्टर स्टोर में इंस्टॉल कर दिया गया है, जिसके लिए 24 घंटे बिजली सप्लाई की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए 31,000 सिरिंज भी हेल्थ विभाग के पास पहुंच चुकी है। डॉक्टर, स्टाफ नर्स, अधिकारियों व कर्मचारियों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, ताकि वैक्सीनेशन में किसी किस्म की दिक्कत सामने ना आए। पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण होगा, जिनमें 6,500 सरकारी और निजी अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ शामिल हैं। दूसरे चरण में पुलिस, होमगार्ड, प्रशासनिक अधिकारी व कर्मी के साथ में पत्रकारों को इसमें शामिल किया गया है। तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर के नागरिकों को टीका दिया जाएगा। चौथा चरण, जिसमें 18 से 50 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी, साथ में गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रोसेस पूरा हुआ है। आज जो ये हमारा ड्राई रन था पानीपत जिले में, बहुत सक्सेसफुली हमने इसको हमने किया है, और हमने आज 25 लाभार्थी बुलाए थे जिन्हें वैक्सीनेशन करना किया जाना था। 25 के 25 लाभार्थी हमारे संपूर्णतः जो एक तरह के डमी या एक प्रैक्टिकल रन के लिए हम इनको बुलाया था, और सारी ANMs और जो स्टाफ हमारा था संबंधित, हमने पूर्णतः इसको सही ढंग से अपनाया और किया है इस पूरे प्रोसेस को। अच्छा, इसमें क्या क्या प्रोसेस अपनाया गया है शुरुआत से लेकर? शुरुआत में जो भी लाभार्थी आएगा वो अपना पहचान पत्र जरूर लाए, अगर फिजिकल रूप में पहचान पत्र नहीं है, अगर मोबाइल फोन में फोटो है तो वो भी मान्य होती है। तो उसके बाद सेकेंड में अगर पहचान पत्र के बाद उसको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। वैक्सीनेशन देने के बाद आधा घंटा उसको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा, और ऑब्जर्वेशन रूम में अगर कोई प्रतिकूल घटना उसको लगती है कि मेरे को कुछ इस दिक्कत महसूस हो रही है वैक्सीन से, तो इमीडिएटली हमारे पास वैक्सीनेशन उसको एनाफिलैक्सिस मैनेजमेंट के लिए टीम उस तरह मौजूद है, और इवन टर्शरी केयर पे भी ले जाने के लिए एम्बुलेंसेज ऑन द स्पॉट अवेलेबल रहेंगी। तो ये जानकारी मिली है कि 10 तारीख के 19 तारीख के बीच कभी भी वैक्सीन आ सकती है, और 6,500 हेल्थ वर्कर को जो लगाई जाएगी, उसके लिए क्या इंतजाम है? हमारा पूरा का पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व रहेगा। हमारे पास 29 हेल्थ फैसिलिटीज है जहाँ पे ये वैक्सीनेशन रन किया जाएगा, और ऑलरेडी हमने उसकी सूची जो है तैयार कर चुके हैं, जो जैसे आप 6,500 बता रहे हैं जितने स्वास्थ्य कर्मी पहले चरण में लिए जाएंगे, उनको जैसे ही हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल होती है और तारीख ऊपर से अलॉन होती है, तो वी आर रेडी, और फैसिलिटीज आर रेडी। उसके बाद दूसरों को, दूसरे चरण में पुलिस वालों को, दूसरे चरण में जो जैसे कि गाइडलाइन आएंगी हमारे पास, दूसरे चरण में हमारे डिफेंस पर्सनल, पुलिस पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारी जो लगे हुए हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। इसी तरह से पूरी तैयारियां हैं। उसके बाद तीसरा चरण में हमारे जो 50 साल से ऊपर के लोगों को लिया जाएगा, और चौथे चरण में 50 साल से नीचे जिन्हें कोमॉर्बिड सिचुएशन साथ में, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, और ये पूर्णतः फ्री ऑफ कॉस्ट पहले चरण में जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्हें दी जाएगी। जैसे जैसे हमारे पास गाइडलाइन आएंगी हम उस हिसाब से आपसे इसको साझा कर लेंगे। मैं आपको जो कोवैक्सीन का जो ड्राई रन कराया गया है, आपने शुरुआत की है, तो क्या आपसे जानकारी ली और किस तरह से आपके साथ प्रोसेस पूरा हुआ? पहले मेरा नाम बताया, क्या नाम? दीपक। फिर मैं आईडी चेक की हुई है। आईडी चेक होने के बाद मुझे ये पूछा गया, पहले कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद मेरी आईडी वाई फाई की गई है, और उसके बाद मुझे इंजेक्शन लगा गया है, और उसके बाद आधे घंटे के लिए यहाँ पे बैठा गया है रिजर्वेशन में, और उसके थोड़ी खुजली होने के कारण यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में, ताकि मुझे एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया गया है, और अब मुझे ठीक लगा। क्या ड्राई रन जब आपने देखा है, जो पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से हुआ है, क्या सब सुविधाएं थी यहाँ पे? जी सर,
जहाँ पे सुविधा थी, इंजेक्शन वगैरह और इमरजेंसी। हाँ, में ऑब्जर्वेशन में जिस तरह से आपको रखा गया है, क्या देखभाल हो रही है आपकी पूरी? यस सर पूरी देखभाल हो रही है। बीपी वगैरह, नस वगैरह चेक की गई है और एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगा गया। तो इसका मतलब हम मान लें कि जब वैक्सीन के असल में जब टीके लगाए जाएंगे तो पूरी तरह से हेल्थ विभाग ध्यान रखेगा? हाँ यस सर, कोविड 19 का टेस्ट इंजेक्शन लगाने के बाद पूरी केयर की जाती है और अगर कुछ इन्फेक्शन से कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे पूरी सुविधा है। एंटीबायोटिक वगैरह पूरे डॉक्टर यहाँ पे पूरी देखभाल कर रहे हैं, ऑक्सीजन वगैरह, एंटीबायोटिक इंजेक्शन और नर्सिस और डॉक्टर पूरी सहायता करते हैं। आप संतुष्ट हैं? यस सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.